हे गाइस, आप लोगों को थंबनेल देख के कुछ पता चला? अगर नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ। मैं आज अपने बाइक का जो बीस्ट है मेरा, उसका चेन लूप करने वाला हूँ, और एकदम प्रॉपर तरीके से लूप करने वाला हूँ। बहुत दिनों से किया नहीं, ठीक है? बहुत दिन हो गया। लास्ट थर्ड सर्विस जिस दिन किया था, उसके बाद से लूप किया था, क्लीन नहीं किया था। तो आज क्लीन लूप सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताऊँगा कैसे करोगे, तो सही रहेगा। चेन का कंडीशन भी सही रहेगा और चेन का लाइफ भी थोड़ा सा बढ़ेगा, बाइक का चेन का जो है। तो चलो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को एकदम प्रॉपर तरीके से कैसे। पहले वो बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। एक ब्रश चाहिए सही सा, ठीक है, चेन के लिए। और चाहिए आप लोगों को डीजल, थोड़ा सा डीजल ले सकते हो, केरोसिन ले सकते हो, या फिर पेट्रोल भी आप लोग ले सकते हो, जिससे आप लोग क्लीन कर सकते हो। तो अभी आप लोगों को बताता हूँ, चलिए। तो गाइस देखो, अभी प्रॉपर सब कुछ हो गया। अभी अलॉय को और जो डी से उसको कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो डीजल स्प्रे करूँगा, तो इसलिए मैं उधर रैप कर दिया, मतलब पैक कर दिया पूरा एकदम, और नीचे भी पता दिया इधर पेपर। और अभी इसमें स्प्रे करना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारा गंदगी निकलेगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, कितना गंदगी। अभी देख लो आप लोग, चेन का हालत रस्ट पड़ गया, एकदम काला काला हो गया, क्या खतरनाक हो गया। देखो अभी तो मैं बहुत क्लीन करता हूँ, पर ल्यूब नहीं करता, इसलिए ऐसा हो गया। तो अभी प्रॉपर ल्यूब करते, पहले क्लीन करते, उसके बाद ल्यूब करूँगा, ठीक है। गाइस प्रोसेस स्टार्ट, पहले थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ेगा, थोड़ा देता हूँ गाइस। अभी पहले स्प्रे कर लेता हूँ, अभी पहले अच्छी तरह से स्प्रे किया, उसके बाद ब्रश से क्लीन करना पड़ेगा, चारों तरफ क्लीन करना पड़ेगा। और ये जो ब्रश है, ये ब्रश चेन के लिए ही प्रॉपर बनाया हुआ है, ठीक है, चारों तरफ, तीनों तरफ रहता है एक साइड से। आराम से आप लोग जितना हो सके आराम से क्लीन कर पाओगे इस ब्रश से। तो ये वाला ब्रश इसलिए मैंने ऑर्डर दिया था। देखो अभी तो क्लीन कर रहा हूँ, अभी पहले क्लीन कर लेता हूँ गाइस। और हाथ पैरों का हालत बहुत ख़राब हो गया था, तो देखो इधर का हालत कैसा है गाइस। आप लोग अच्छी तरीके से स्प्रे करना, ठीक है, पूरा एकदम, मतलब एक बार पहले क्लीन करना, क्लीन करने के बाद फिर से स्प्रे करना, तो सारा गंदगी खुद से ही निकल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके। देखो गाइस, आप लोग देख पाओगे इधर का हालात, देखो आहिस्ता आहिस्ता सब निकल रहा है। तो फिर से स्टार्ट पोस्टिंग। देखो गाइस अभी इधर का हालत कैसा है, एकदम गंदगी गंदगी, लोग तो देख ही पा रहे होंगे कि कितना गंदगी निकला है। बहुत दिनों तक मैंने क्लीन नहीं किया, तो अभी इतना गंदगी निकला है। अभी इस जगह का हालत, कितना गंदगी सिर्फ इस चेन से निकला है, ठीक है, देखो बहुत गंदा हुआ। तो मैंने सोचा था कि पेपर से कवर कर दूंगा अलॉय को, पर नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, अभी अलॉय को भी क्लीन कर देंगे और इसको भी, और लूप करना है, ठीक है। लूप का प्रोसेस में आप लोगों को अलग से नहीं दिखा रहा, गंदगी गंदगी क्या हुआ है हालत। इधर ब्रश है, ब्रश का हालत देखो, और मेरा हाथ का हालत देखो। अभी तो थोड़ा सा क्लीन करके फोन पकड़ रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक, इतना दूर तक आ गया, सब गंदगी है भाई। कैमरा कर ले, फोकस फोकस, सब गंदगी है भाई। 2000 years later. गाइस अभी चेनों का हालत देखो, चेन का अभी बहुत क्लीन हो गया, अभी तो कर दिया क्लीन, बहुत टाइम लग गया, और मैं तो चेन क्लीन के लिए यही यूज़ करता हूँ। ये तो चेन लूब है, मैं क्लीन के लिए कुछ और यूज़ किया, देखा आप लोगों ने, तो ऐसा सीन है। अभी तो एलोई को भी देखो एकदम क्लीन कर दिया, नहीं तो जो डस्ट था चेन का वो अगर बैठ जाता एलोई पे तो उठता नहीं, तो इसलिए मैंने क्लीन कर दिया। गाइस फाइनली चेन क्लीन हो गया पूरा, अभी तो सही दिख रहा है। तो कैसे कि आप लोगों को एकदम प्रॉपर वीडियो में ही बताना है कि ट्राई किया, तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।